साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं, सेक्शन 13 पीसी एक्ट रीड विद सेक्शन 109 ऑफ द आईपीसी रीड विद सेक्शन 120 बी ऑफ द आईपीसी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि कई बार ऐसा देखा गया कि किसी क्राइम में पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ नॉन पब्लिक सर्वेंट या प्राइवेट व्यक्ति जो है इन्वॉल्व रहते हैं, और उन प्राइवेट व्यक्तियों को ऐसा ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो पब्लिक सर्वेंट हो। उन पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि आपने क्राइम करने के लिए पब्लिक सर्वेंट की हेल्प की, उसके साथ आपने कॉन्स्पिरेसी करी और उस वह अपने पद का दुरुपयोग कर सके इसके लिए आपने उसको असिस्ट किया। तो इस संबंध में जो एक रिसेंट जजमेंट निकल के आया सुप्रीम कोर्ट का 9/12/2021 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन का जो स्कोप है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों पब्लिक सर्वेंट जब भी कोई क्राइम करता है तो उसके दो स्थितियां होती हैं, या तो वो ब्राइब का एक्सचेंज करे जो यूजुअल आप पढ़ते आ रहे हो, या फिर वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करे। 2018 मैं डेट लिख रहा हूं स्पेसिफिक 26 जुलाई 2018, जब धारा 13 अमेंड नहीं हुई थी तो ये बटी हुई थी 5 हिस्सों में, ए बी सी डी ई। और खासकर दिक्कत वाला जो काम था पब्लिक सर्वेंट्स के लिए वो था 13(1)(d) और 13(1)(e), क्योंकि ऑफिशियल मिसकंडक्ट या उनके पास ऐसी असेस्ट है जो उनके नोन सोर्सेस से काफी ज्यादा है, तो वहां पर 13(1)(e) में जो है कार्रवाई की जा रही थी। और 26 जुलाई 2018 के बाद अब धारा 13 जो है ये बटके रह गई है 200 में, 13(a) और 13(b)। 13(a) में अगर कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है गवर्न करता है तो उस पर लाइबिलिटी बनेगी, और 13(b) में यदि वो पब्लिक सर्वेंट है उसके पास असेस्ट है पर नोन सोर्सेज जो है ज्यादा है तो वहां पर 13(1)(b) या 13(b) में जो है वो कार्रवाई होनी है। अब मोटी मोटी बात जो समझने की है आपको कि 109 में क्या है अबेटमेंट, कि उकसाना, ये इंस्टिगेशन से भी हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी से भी हो सकता है, और 120(b) जो है प्रिस्क्राइब करती है पनिशमेंट फॉर द कॉन्स्पिरेसी। एक मामले में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति है जो पब्लिक सर्वेंट है जिस पर ये आरोप है कि आपने प्रॉपर्टीज जो है अपने नाम पर और आपकी वाइफ के नाम पर जो है ली, और इस पूरे काम में आपको कई व्यक्तियों ने हेल्प की, उसमें से एक व्यक्ति था A2, ये अपन उदाहरण ले रहे हैं। इसने क्या करा कि जो सेल डीड थी वो अपने पास में रखी, जब सर्च हुआ तो वो सेल डीड जो कि आपके और आपकी वाइफ के नाम पर थी इनके घर से मिली और कुछ पैसा भी जो है बरामद हुआ। इस मामले में जो A2 था उस पर चार्जेस लगाए गए धारा 13 में, धारा 109 में और धारा 120 में। मोटे मोटे बात क्या रखी कि आपने कॉन्स्पिरेसी करी, वो सेल डेट छुपाने में इनकी हेल्प करी, जब सर्च कंडक्ट हुआ तो वो सेल डेट जो है रिकवर हुई, वो सेल डेट में जो लगा हुआ पैसा था वो ब्राइब अमाउंट था या ऐसा अमाउंट था जिसे हम करप्शन की कैटेगरी में रखेंगे, इस व्यक्ति के द्वारा मिसकंडक्ट किया गया और मिसकंडक्ट करने में जो है सहयोग किया गया। ये एक बेसिक आरोप था सीबीआई का इस केस के अंदर। मामला जो है कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जो है चार्जेस फ्रेम किए, उसके बाद इस व्यक्ति के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई, और रिवीजन में दो पॉइंट रखे गए कि सबसे पहली बात, मेरे पास केवल सेल डेट मिली है पर ऐसा कोई भी आरोप नहीं है कि मैंने इनको कोई पैसे पहुंचाए हो, उनसे कोई पैसे लिए हो या खातों में ट्रांजेक्शन करके कोई फायदा इनको जो है पहुंचाया हो। अगर मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोई रोल स्पेसिफिक नहीं है और किसी व्यक्ति की मैं केवल सेल डीड रखता हूं, तो इस आधार पर यह नहीं मान सकते कि मेरे द्वारा जो है कोई क्राइम किया गया है। स्पेसिफिक एलिगेशन शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। दूसरी बात, जो भी गवाह फाइल पर है उनके स्टेटमेंट जो है दे आर इन द नेचर ऑफ कन्फेशंस, और अपार्ट फ्रॉम दैट उन कन्फेशंस को कॉरपोरेट कर रहे हैं को अक्यूज से, तो एनी कन्फेशन गिवन बाय द को अक्यूज अगेंस्ट द अक्यूज इज नॉट एडमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ। तो इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को जो है डिस्चार्ज किया। मामले में सीबीआई जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई, एसएलपी जो है दाखिल करी। सीबीआई कहना कि बहुत बड़ा स्कैम जो है हमने खोल लिया, उस स्कैम में कई लोग जो है शामिल थे और इसका तो यही रोल था कि इनलीगल अमाउंट को जो है ट्रांसफर करना और इनकी सेल डेट बनाने में, उसके एग्जीक्यूशन में, और अवैध अमाउंट को या अमाउंट ऑब्टेंड बाय मिसयूजिंग द ऑफिशियल पोजीशन इसको जो है एप्रोप्रिएट मीन्स में जो है कन्वर्ट करने में हेल्प करना। पर ऐसा कोई भी फैक्टम, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी स्थिति जो है प्रोसिक्यूशन फाइल पर नहीं ला पाया, केवल मियर सरमाइसेस एंड कंजेक्चर पर जो है केस फाइल कर दिया। दूसरी बात, कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई एविडेंस फाइल पर नहीं थी,
इसने अपॉइंटमेंट कैसे किया, बाय द वे ऑफ इंस्टिगेशन, बाय द वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी या बाय द वे ऑफ एक्टिव सपोर्ट, कोई एविडेंस जो है फाइल पे नहीं थी। चौथी इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई व्यक्ति नॉन पब्लिक सर्वेंट है या प्राइवेट व्यक्ति है तो उस पर धारा 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट रखें। तो इन सब बातों को देखते हुए जो जजमेंट मद्रास हाईकोर्ट ने किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील करते हुए अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। तो कहने की बात है कि यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है कि आप नॉन पब्लिक सर्वेंट है पर पब्लिक सर्वेंट के साथ आपको इन्वॉल्व कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आपका एक्टिव सपोर्ट है, सबसे पहले एफआईआर को पढ़ें, फाइंड आउट करें कि क्या क्या एलिगेशन ऐसे हैं जिसमें सपोर्ट को बताया गया है। अगर ये एलिगेशन सपोर्टिंग नहीं है, कॉरोबरेटिंग नहीं है, केवल बातें कह दी गई हैं, तो इस रूलिंग का फायदा जो है आपको मिल जाएगा। आप डिस्चार्ज जो है क्लेम करें या ऑनरेबल हाईकोर्ट जाके जो है क्वेश्चन क्लेम करें। तो साथियों, इन प्रस्पेक्टिव को डील करके आप 120B, 109 IPC, इसके साथ साथ धारा 13 PC यदि लगा हुआ है तो उसे निजात जो है वो पा सकते हैं। तो साथियों, ये है इंपॉर्टेंट जानकारी जिसमें मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया कि अगर ऐसा केस बन भी जाए तो आपको करना क्या है, घबराने का आपको नहीं है। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।